सो फ्रेंड, ये देखिए इतना सारा आइसक्रीम खरीदाया है, तो आज खाएंगे इतना सारा आइसक्रीम। और इधर देखिए, मुँह देखिए, पहले लेकर भागेगा तुरंत, गिरा ना। तो चलिए सबको दे देते हैं। मौसी को दे दिया, भाई लोग को भी दे देते हैं। हेलो, आइसक्रीम सोया है सागर, लो मौसी के दे दिया। एक को पकड़ो ना पहले। दे दिया। सबको हो गया, मौसी को दे दिया ना, एक तो दादी को दे दो। लो क्या है ये, आइसक्रीम खरीद के वो अभी मत, इन लोग 10-10 रुपए कहाँ से आदमी देगा। तो चलिए फ्रेंड, आइसक्रीम मिल गया है हमको, दो गो हम दो ठो खाएंगे। इधर देखिए, मौसी को भी मिला है, खाएंगे हम लोग आइसक्रीम। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड, और हम भी अच्छे हैं। और ये देखिए आइसक्रीम, तो चलिए पहले खा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड खा लेते हैं, ऑनलाइन पेमेंट हुआ है इसीलिए हम दो वो खा रहे हैं। आइसक्रीम पार्टी। तो फ्रेंड, अभी हम बना रहे हैं खाना चूल्हा पे, और अभी हमारा जस्ट लाइट भी आया है, लाइट अभी आया है फ्रेंड, और अभी हम खाना बना रहे हैं चूल्हा पे ही। गैस पे नहीं बना रहे हैं क्योंकि लकड़ी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से लकड़ी को ख़त्म करने के चक्कर में है। तो ऐसा कोई बात नहीं है फ्रेंड, लकड़ी उतना नहीं है, बस चूल्हा पे ही बनाने का मन कर रहा है आजकल, तो चूल्हा पे ही बना रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक टाइम गैस पे बनाते हैं, एक टाइम चूल्हा पे बनाते हैं, रात के टाइम चूल्हा पे गैस पे बनाते हैं, सुबह के टाइम चूल्हा पे बनाते हैं। तो अभी आज मन किया कि शाम को भी बना दे चूल्हा पे ही, तो इसीलिए चूल्हा पे ही बना रहे हैं देखिए। और अभी बस बैठे हुए, अभी सब्जी बना रहे हैं, अभी रोटी बनाना बाकी है। बहन लोग भी मटर निकाल रही हैं, तो इसलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मटर निकाल रही है बहन लोग, और लाइट अभी आया है। और इधर हमारा बन रहा है, अभी प्याज भुंजा रहा है, प्याज भुंजा जाएगा, उसके बाद ये देखिए आलू, आलू और मटर का सब्जी बना रहे हैं। तो किनको किनको पसंद है बताइएगा, आलू और मटर। अभी घर में ताज़ा ताज़ा मटर निकल रहा है, तो उसी का भी सब्जी बन रहा है। मसाला डाल दिए हैं, अभी भून जाएगा पूरा अच्छे से, इसको भूंजेंगे। इधर पानी भी लेकर के बैठे हुए हैं, चूल्हा पे भी बना रही हूँ फ्रेंड, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि गैस पे बना रहे हैं या चूल्हा पे। इतना जल्दी जल्दी खाना बन जा रहा है, चूल्हा पे भी क्या ही होता है, बहुत जल्दी, जैसे गैस पे बनता है ना जल्दी जल्दी, उसी तरह से चूल्हा पे भी जल्दी जल्दी बन जाता है, और अच्छा भी लगता है। पता ही नहीं चलता है कि हम गैस पे बना रहे हैं या चूल्हा पे, बस बैठ जाते हैं। और देखिए अभी तुरंत बस एक लकड़ी लगाए हैं, ये देखिए बस एक ही लकड़ी लगाए हैं, और एक ही लकड़ी में खाना बन रहा है। इतना जल्दी जल्दी बनता है कि क्या ही बताएं आप लोग। और हमारा थोड़ा आवाज़ भी मोटा मोटा जाता होगा फ्रेंड, क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है हमारा, इसकी वजह से थोड़ा आवाज़ हमारा मोटा हो गया है, घाव घाव हम बोल रहे हैं तो हमको खुद लग रहा है कि एकदम मोटा आवाज़ आ रहा है। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसके वजह से थोड़ा सा लग रहा है, बाकी हमारा सब्जी इधर बन रहा है।
मसाला हमारा भी भून जा रहा है पूरा। अच्छे से इसको भून लेंगे, उसके बाद इसको डालेंगे मटर को भूनने के लिए। फ्रेंड हमारा इधर रोटी भी बनने लगा है, ये देखिए आटा वाला भी रोटी बन रहा है ये, और इधर मौसी देखिए बेल रही हैं, इधर पूरा आटा वाला भी बना रहे हैं और चावल वाला भी रोटी बना रहा है फ्रेंड। और सब्जी हमारा खाली करके रख दिए हैं दूसरा बर्तन में, और इधर देखिए हमारा रोटी बन रहा है, मौसी पता नहीं कहाँ जा रही है। तो इधर मौसी बेल रही है, हम जल्दी जल्दी सेक रहे हैं, और हमारा लाइट भी चला गया है फ्रेंड, देखिए पूरा अंधेरा हो गया इधर भी। गर्मा गर्म रोटी खा लीजिए फ्रेंड आप लोग भी। इधर देखिए पूरा अंधेरा है बाहर में, पीछे साइड में बना रहे हैं, इधर इमरजेंसी लाइट जल रहा है, लाइट देख के चला गया हमारा, पूरा अंधेरा हो गया है घर। हमारा आवाज आज थोड़ा मोटा मोटा सा लग रहा है ना, और मैं इधर बैठी हुई हूँ फ्रेंड और सेक रही हूँ, और इधर आ गया है थाली भाई लोग को खाने के लिए, मौसी दे भी रही हैं, वो लोग खाएगा भी गरम गरम, तो अभी दे देती हैं, उसके बाद उन लोग खाएगा दोनों। मौसी ले जा करके दे रही हैं खाना, लाइट का कोई भरोसा नहीं है फ्रेंड कब आएगा, लाइट की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्या बताएं। हम भी तो देखे बैठे हुए हैं और बना रहा है रोटी, मौसी बेल रही हैं और लोग जा कर के देखे दे रही हैं, इधर बेल भी रही हैं और ले जा कर के अभी दी हैं, और हम सेक रहे हैं जल्दी जल्दी। मम्मी खा ली है और दोनों भाई लोग खा रहा है, उसके बाद हम लोग फिर खाएंगे। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं फ्रेंड, और इधर देखिए हमारा रोटी भी सट जा रहा है, इतना जल्दी जल्दी बन रहा है ना कि क्या ही बताएं, गैस से भी फास्ट चूल्हा पे, और टेस्टी खाना भी लगता है चूल्हा का। तो चलिए फ्रेंड खाना वाना खा लिए और अब चलते हैं सोने के लिए, और बहन अभी देखिए खा ही रही है, ये भी खा ली है, मौसी भी खा ली हैं, हम भी खा लिए, और सब लोग सो भी गए देखे रूम अपना अपना बंद करके, और अब चलते हैं हम लोग भी सोने के लिए। खा करके एकदम फुल टंच हो गए हैं, और टाइम हो चुका है फ्रेंड 9:19 हो गया, अभी हम लोग खाना खाए हैं हमारा, चलते हैं अब रूम में अपना सोते हैं। और इधर देखिए बकरी आज बांधे हैं घर में, मैं इधर हमारा बिस्तर, तो चलिए सोते हैं। कटोरी रख देते हैं, दिए थे चावल खाने के लिए इसको, अभी थोड़ा सा चावल रह गया था तो दे दिया, तो खा लिया वो, खा लिया थोड़ा सा हमारा बहुत है। चलते हैं सोने, इधर मौसी भी सब लोग अपना अपना रूम में, मौसी लग जाएंगी वो वाला रूम में उसमें, और हम आए हैं इसमें अपना रूम में। खा लिए ना, सो देख रहा है अभी, देखिए लाइट ऑफ करेंगे ना तब उसके बाद बैठेगा वो वहां पे। अगर देखिए मौसी भी आ, लाइट ऑफ करने का तो बैठ जाता है, बोरा भी बिछा दिए हैं उसी पे बैठ जाता है आराम से, हम भी सोएंगे फ्रेंड। तो चलिए सोते हैं अब, लाइट तो ऑफ करना लेके खड़ा हो गया, लाइट जलता रहता है ना तो खड़ा रहेगा, और लाइट जहाँ ऑफ कर देंगे बैठ जाएगा आराम से। तो चलिए मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ क्योंकि टाइम पर बहुत ज़्यादा, हमारा एक छोटा सा ये देखिए फुंसी हो गया है यहाँ पे, ये देख सकते हैं इतना दर्द दे रहा है, इतना दर्द दे रहा है कि हम सुबह से ही दर्द दे रहा है, तो हमको पता ही नहीं चल रहा था कहाँ क्या हुआ है, क्योंकि चोट वोट तो कुछ लगा नहीं था,
तो जब अचानक एक बैग जाके ऐनक में देखे तो यहाँ पे देखिए अभी देखिए थोड़ा बड़ा हो गया। सुबह में ना एकदम पता ही नहीं चला था, सिर्फ दर्द दे रहा था यहाँ पे, ये सब सिर्फ दर्द दे रहा था, पता ही नहीं चला था कि यहाँ पे पुंसी भी हुआ। अभी देखिए कितना बड़ा सा हो गया देखिए, और इतना ज़्यादा दर्द दे रहा है कि हम क्या बताएं। ये सब देखिए, ये सब दर्द दे रहा है, यहाँ से ऐसे लेकर के ये सब पूरा ऐसे यहाँ तक दर्द दे रहा है। इतना छोटा सा फुंसी, इसका पावर कितना है पहले ये देखिए, इतना ज़्यादा दर्द दे रहा है इतना दूर में, इतना इतनी बित्ती सा है लेकिन दर्द पूरा फैल गया है, पूरा दर्द दे रहा है ये सब। और यहाँ पे तो ऐसे छूने से ना गुलटी जैसा हो गया, लग रहा है ना कि यहाँ पे गुलटी जैसा होता है, गिल्टी बंधा जाता है ना, उस तरह से पूरा थाथर बांध दिया है, पूरा दर्द दे रहा है, पता नहीं क्या है, क्या होते रहता है पूरा। चलिए ठीक हो जाएगा फिर, एक दो दिन तो रहेगा क्योंकि अभी थोड़ा सुबह नहीं था, और अभी तक देखिए सुबह हम देखे थे तो बिल्कुल भी नहीं था, एकदम पता ही नहीं चल रहा था, सिर्फ दर्द दे रहा था। और अभी देखिए कि पूरा एकदम निकल गया है, बड़ा सा हो गया। एक दो दिन रहेगा, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, पकेगा, और उसके बाद उसमें का जितना भी गंदा रहेगा वो निकलेगा, उसके बाद हम तो फोड़ेंगे नहीं क्योंकि खुद से ही फूटेगा, हमको बहुत डर लगता है, कांटा भी हमको चुभ जाता है तो हम नहीं निकालते हैं, जल्दी छोड़ देते हैं उसी में सड़ने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको दर्द देता है, दर्द हमको बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए तो मैं छोड़ देती हूँ उसी में उसके बाद दर्द जैसे ही शांत होगा, दर्द नहीं देने लगेगा, उसके बाद निकलते हैं तो चलिए फ्रेंड्स सोते हैं, और देखिए बैठ गया आराम से, बैठ गया, अब लाइट ऑफ कर देंगे, आराम से सो जाएगा। आज हमारा गला ना थोड़ा ना, जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना वैसे वैसे थोड़ा लग रहा है ना कि हम दिन में सोए हैं, उस तरह से आवाज़ मेरा निकल रहा है, तो वैसा कुछ नहीं है फ्रेंड, दिन में हम सोते नहीं हैं, और पता नहीं क्यों एकदम अजीब सा आवाज़ आ रहा है, शायद सोएंगे तो अच्छा लगेगा क्योंकि नींद भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, ये सब दर्द दे रहा है, ये वाला मेरा दर्द देता है जब हमको नींद आता है तो, पता नहीं क्यों, देखिए तो चलिए सोते हैं फ्रेंड। आई होप कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर ज़रूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।